तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्रेकडाउन एपिसोड। और आज हम लोग रिप जॉस का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, क्योंकि भाई इस एलियन के ना तीन अलग अलग डिजाइन है, तो मैंने सोचा कि इन तीनों डिजाइन में बहुत सारी डिटेल्स छुपी होगी। शाबाश बेटा। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे जो रिप जॉस के कैरेक्टर डिजाइन में मौजूद है, और रिप जॉस के तीनों डिजाइन को कम्पेयर भी करेंगे। और अगर तुम इनमें से कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते तो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहो। अब सबसे पहले तो हम रिप जॉस के सबसे बेसिक क्लासिक डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो रिप जॉस का डिजाइन अर्थ पे रहने वाले बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल से सिमिलर है, जैसे कि रिप जॉस के दांत जो शार्क और एलिगेटर से सिमिलर है, और उसके दांतों की ताकत तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद उसके सर के ऊपर का एंटेना समंदर की गहराइयों में रहने वाली एंगलर फिश की तरह है, जो लाइट भी जनरेट कर सकता है, और रिप जॉस इसे समंदर के अंधेरे में चीजें देखने के लिए यूज करता है। उसके शरीर पर किसी नॉर्मल फिश की तरह फिन्स भी है, और पानी में जाते ही वो अपने पैरों को अपनी टेल के साथ फ्यूज करके फिश की टेल बना लेता है। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि रिप जॉस के जब पैर होते हैं तो उसकी टेल कहाँ होती है, तो भाई वो लंगोट जैसी चीज ही रिप जॉस की टेल है, और शायद उसकी गर्दन पर जो लाइंस है वो उसके गिल्स हो सकते हैं, जिससे कि वो पानी में सांस लेता है। इसके अलावा रिप जॉस बहुत तेजी से तैर सकता है, और उसकी स्किन गहरे पानी के प्रेशर को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। इसके बाद अगर तीनों रिप जॉस को कंपेयर किया जाए तो क्लासिक वाला 10 साल का रिप जॉस बाकी रिप जॉस के कंपैरिजन में जल्दी डिहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। एकदम घुट रहा है, पानी चाहिए। मगर ओमनिवर्स में जो 16 साल का रिप जॉस दिखाया गया है, वो पानी के बाहर बिना डिहाइड्रेट हुए बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पा रहा था, जिससे ये समझ आता है कि ज्यादा मैच्योर रिप जॉस पानी के बाहर ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं। अब ये तो हो गया क्लासिक वाले रिप जॉस का ब्रेकडाउन। अब बारी है अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स में दिखाए रिप जॉस के डिजाइन की। तो देखो, अल्टीमेट एलियन में रिप जॉस काफी कम टाइम के लिए दिखाया गया था, मगर अल्टीमेट एलियन का रिप जॉस डिजाइन कैटफिश से ज्यादा सिमिलर था, क्योंकि तुम यहाँ रिप जॉस के फेस पर कैटफिश की तरह मूछ देख सकते हो। इसके अलावा रिप जॉस के दांत अल्टीमेट एलियन में अंदर की तरफ थे, मगर ओरिजिनल डिजाइन में वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस तुम नोटिस कर सकते हो रिप जॉस की आईज में, जो क्लासिक में पूरी तरह से ग्रे थी, मगर यहाँ ग्रीन है, वो भी ब्लैक प्यूपिल्स के साथ। अब इसके बाद अगर हम ओमनिवर्स वाला डिजाइन देखे तो ये वाला डिजाइन क्लासिक के डिजाइन से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जैसे इस वाले रिप जॉस के दांत बाहर है और ये भी ग्रे और ब्लैक थीम में है। मगर तुम इस वाले डिजाइन में नोटिस कर सकते हो कि रिप जॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके फिन्स भी बड़े हैं और उसकी टेल भी, जो चलते वक्त जमीन पर खिसकती है। एक और बात जो ओमनिवर्स के डिजाइन में अलग है वो है रिप जॉस का पोस्चर, जो बाकी के रिप जॉस डिजाइन से काफी झुका हुआ है। इसी के साथ क्लासिक रिप जॉस और ओमनिवर्स रिप जॉस में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही डिजाइन में रिप जॉस अपना जॉ अनहिंज कर सकता है, यानी वो बहुत बड़ा मुंह खोल सकता है, और यही चीज अल्टीमेट एलियन के डिजाइन में नजर नहीं आती। तो बस यार, इस ब्रेकडाउन में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और तुम इसी तरह के बेन 10 रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।